देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ खरबूजे का शरबत बना रही हूँ, जिसमें मैंने एक खरबूजा लिया है और इसमें मैंने खजूरें डाली हैं, तकरीबन 4 खजूरें डाली हैं। बच्चे असल में खजूर नहीं खाते, तो इनको खजूर खिलाने का बेहतरीन तरीका है। तो मैंने ऐसे भी पहले शरबत बनाया था तो उनको पता भी नहीं चला कि इसमें खजूर डली हुई है। तो बच्चों को खजूर खिलाने का बहुत बेहतरीन तरीका है, ताकत के लिए बहुत अच्छी है, तो बच्चे खाते ही नहीं हैं खजूरें, तो मैं इस तरह से बना के खिला देती हूँ उनको। तो इसका शरबत मैं बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने खरबूजा लिया, 4 खजूरें ली हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और दूध ऐड करके इसे ब्लेंड कर लेते हैं। लीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शरबत रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा इसे, और इस तरह से बच्चों को पिला सकते हैं हम ये खजूर का जूस। शरबत जो होता है खजूर का, बहुत ही मज़ेदार बन जाता है खरबूजा और खजूर का। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मैं इस तरह से बच्चों को पिला देती हूँ तो बच्चे पी लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है इसमें खजूर डली हुई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। यार मेरी तैयार हो गई थी अफ्तारी, बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने आप लोग को ये दिखा रही हूँ फाइनल लुक। यहाँ मैंने बनाया था चीज़ पास्ता, बहुत ही मज़ेदार बना था ये भी पास्ता। ये ब्लैक छोले, थोड़ी सी तरकारी बनाई हुई थी, और ये पकोड़े थे, मिक्स पकोड़े, खजूरें और दही बड़े। इसकी रेसिपी भी आपके साथ किसी वक्त में शेयर करूँगी। यहाँ है खरबूजे का शरबत, ये है आड़ू का शरबत, तो बहुत ही मज़ेदार सा ही होता है शरबत। और ये देखें, ये मेरी थी अफ्तारी, बहुत ही मज़ेदार झटपट सी अफ्तारी रेडी थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।